अब मैं जन समाधि लेने के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ में हीरालाल गुप्ता के द्वारा चीटिंग की गई है। थोड़ा आप रुक जाइए, मैं अपने आप को रोक लेता हूँ। ये बहुत ही बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है संत समाज के ऊपर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के शंकर मंदिर परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे राम बालक दास जी महाराज आज जल समाधि लेने जा रहे थे, मगर मुंब्रा पुलिस ने इन्हें रोक लिया। आपको बता दें कि अयोध्या से आए राम बालक दास जी महाराज शंकर मंदिर में यज्ञ करना चाहते थे 9 फरवरी से 15 फरवरी तक, मगर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इन्हें अनुमति नहीं मिलने से कल महाराज भूख हड़ताल पर बैठ गए और मांग पूरी ना होने पर शंकर मंदिर परिसर में जो तालाब है वहां पर जल समाधि लेने की बात कही थी। और आज शंकर मंदिर परिसर में भारी पुलिस बल लगाई गई थी। दोपहर के वक्त राम बालक दास जी महाराज शंकर मंदिर तालाब में समाधि लेने के लिए भूख हड़ताल की जगह से आगे बढ़े। साथ में बजरंग दल के ठाणे जिला संयोजक सर्वेश तिवारी भी मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान पुलिस ने मंदिर परिसर का गेट बंद कर दिया और राम बालक दास जी महाराज को गेट से बाहर नहीं निकलने दिया। पुलिस ने किसी तरह से महाराज को समझाया और मंदिर ट्रस्ट के हीरालाल गुप्ता को भी बुलाया गया। पुलिस और मंदिर ट्रस्ट और महाराज के बीच में काफ़ी देर तक मीटिंग हुई और इसमें यह फैसला लिया गया कि मंदिर में यज्ञ करने की अनुमति दी गई, मगर जो तारीख थी 9 फरवरी से 15 फरवरी तक यज्ञ करना था उस तारीख पर यज्ञ नहीं होगा। यज्ञ करने की तारीख बाद में तय होगी और मंदिर ट्रस्ट यज्ञ में पूरा सहयोग करेगी। आश्वासन मिलने के बाद राम बालक दास जी महाराज को नारियल पानी पिलाकर उनका भूख हड़ताल खत्म कराया गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो है राम बालक दास जी महाराज और मंदिर ट्रस्ट के हीरालाल गुप्ता और बजरंग दल के ठाणे जिला संयोजक सर्वेश तिवारी ने क्या कुछ बताया है आपको सुना दें। नीलेश अब मैं जन समाधि लेने के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ में हीरालाल गुप्ता के द्वारा चीटिंग की गई है। कल मुझे रोका गया था, मैंने अपना टाइम 10 बजे का दिया था और कहा गया था, तो मैंने पुलिस प्रशासन का सम्मान रखा, ट्रस्ट का भी सम्मान रखा और अब मैं अपने वचन के द्वारा, जब साधुओं को सताया जाता है तो अब मैं जल समाधि लूँगा और मुझे कुछ हो जाता उसका जवाब सर्वेश भाई जी ने, ये जो प्रशासन, ये मंदिर जो है ये पुरातन कालीन संतों के द्वारा चलाया जा रहा एक देवस्थान है। यहाँ पे जो महाराज जी के साथ में अन्याय हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरी तरह से महाराज जी के साथ में खड़ा है। मैं महाराज जी से आग्रह करता हूँ कि कुछ समय का वक्त अब हमको भी दे विश्व हिंदू परिषद को, ये आगे की कार्रवाई जो है हम लोग करेंगे। यहाँ पे बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे प्रशासन के द्वारा। अभी हमारी बात चल रही है सीपी साहब से मिलने के लिए और अगर इसके ऊपर नहीं हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। महाराज जी मैं आपसे आग्रह करता हूँ, महाराज जी थोड़ा आप रुक जाइए, मैं अपने आप को रोक लेता हूँ आपसे। ये बहुत ही बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है संत समाज के ऊपर। एक साधु अयोध्या से आके यहाँ पे हिंदुओं को चार पीढ़ियों वाले स्थान पे जो संतों को ऐसे परेशान किया जाए वो झूठ बोलता है, इसे भी बोला उसके बराबर झूठा भी है। अभी तक डेढ़ कुछ नहीं, उसका हम टाइम 10 बजे का टाइम दिया था, 9 बजे का कर सकते हैं, 9 बजे का टाइमिंग दिया है ना, वो टाइम हो जाएगा। नहीं 9 बजे का टाइम पंचल आए हुए फोन पे बात कर रहे हैं, बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा रुकिए। आपने क्या हमारे साथ है बड़े सर, एक मिनट बात कर दो, बात साहब नमस्कार, सूरज तिवारी बोलते सर, एडवोकेट। इकड़े येतं
होते तरी पण त्यांनी आम्हाला बोलले नाही तर तुमचं काय नाही हमें परमिशन नहीं चाहिए मुझे अपना परमिशन नहीं परमिशन का सवाल है मुझे परमिशन देने वाले जल समाधि घ्यायला चालले 3 दिवसापासून ते अयोध्या वरून येऊन इकडे बसले मेरा आत्मसन्मान की हमें कारवाई याच्यामध्ये सर्व करायला पाहिजे म्हणजे यांच्या याच्यामध्ये कोणाशी डिस्कस करायला लागला मला हे याच्यातून सांगा कोणाशी डिस्कस करावं लागेल आणि कोणावर बोलायचं माहित आहे सगळे सगळे विरोध करणार कोण आहे विरोध कोणी पण करत नाही त्यांना करायचे आहे त्यांनी पत्र दिले होते महाराजांनी त्यांचे काय प्रॉब्लेम आहे त्यांचे वेगळे प्रॉब्लेम चालू आहे हटाया गया मुझे वहां से हटाने के पश्चात में लाइन अभी थोड़ी देर पहले बैठाला नहीं दिया जाए आपको विरोध कौन कर रहा है हीरालाल गुप्ता के द्वारा हीरालाल गुप्ता को बुला प्रतिदिन सब संतों को वो अपमानित करता अगर उसको अरेस्ट और गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा या हीरालाल गुप्ता को बुला सामने हमको भी बेवकूफ बनाया भू माफिया व्यक्ति यहाँ की जगह भी उस पर किराए पे दे रखा है ट्रस्ट का कोई भी यज्ञ करने आया तो बोले कि इनको भगा दिया जाए मेरी दो बार लाइट भी जिस जगह में रुका था काटी गई इन लोगों को जो जो मेरे साथ थे सबको आखिर ये आप ही समझाइए आप सामने बोला रहा हूँ अभी तो एकता गुप्ता का है ट्रस्टी बनी भरपूर लोग सात लोग एक मुख्यमंत्री जी को भी दे दिया धर्माधारी आयुक्त है त्यांना पण बोलवायचे प्रकरण झालं तसं ना तत्काल बोला गुप्ता को बोला मैं आपकी बात मानता हूँ आपका मैं सम्मान करता हूँ महाराज जी क्या यहाँ पर जो है फैसला हुआ आप लोगों से बातचीत हुई है गुप्ता जी से क्या निर्णय निकला है काफी मशक्कत के बाद और दो तीन दिन हमें तपस्या भोलेनाथ के मैदान में भोलेनाथ के दरबार जी में करने पड़ी वो भोलेनाथ की इच्छा होगी और मेरे साथ में अन्न सन्न पे सिर्फ मैं नहीं था कम से कम 10 से 15 लोगों ने कल से कुछ नहीं लिया और थोड़ा बहुत चाय वगैरह लेते रहे छोटे छोटे बच्चे भी उनमें हैं उन्होंने भी किया पर उस व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने संपूर्ण सहयोग किया और मैं जल समाधि लेने जा रहा था उसमें हमको रोका गया फिर गुप्ता जी आए देर आए दुरुस्त आए पर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसका सम्मान किया जाता है और फिर उनके ट्रस्ट के माध्यम से और प्रशासन के बीच में पत्रकारों के बीच में हमारी सबकी मीटिंग ये हुई कि अगर महाराज जी आप कार्यक्रम बाद में करते हैं तो हमारा ट्रस्ट पूर्ण तरीका से इसमें जितना भी खर्च आएगा और सहयोग रहेगा हम लोग करेंगे और सब जगह से सहयोग कराएंगे और आप कभी भी आएँ आपके लिए दरवाजे खुले हैं अगर इसके विपक्ष में जाएंगे तो उसमें प्रशासन भी इसमें गवाह है और अगर 15 तारीख से करते हैं तो 15 तारीख से भी उन्होंने कहा है कि जो हमसे सुविधा बनेगी हम महाराज जी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे कम नहीं करेंगे ये हमको आश्वस्त किया गया है गुप्ता जी के माध्यम से और हमारी सनातन संस्कृति के लिए जो हिंदुत्व के लिए हमने वीणा उठाया था मुद्दा उठाया था हमारा कार्यक्रम यज्ञ और संतों का सम्मान तो मैं पुनः यही बात कहूँगा कि यहाँ के लिए गुप्ता जी भी सुन रहे हैं दूसरे ट्रस्टी महोदय भी हैं कि प्रथम तो आपके पास कमी नहीं है बढ़िया बना के रखें अच्छा बना के रखें संतों के लिए एक संत भवन और उस पर ऐसे पाटला और कंबल आदि की जो भी व्यवस्था हो वहीं पेटी में करके और दें और भोजन रसोई की ठीक व्यवस्था करें कल के दिन कोई भी साधु ऐसा नहीं है कोई ऐसे भी आते हैं कि भाई जो हमारे में ऐसा अखाड़े द्वारा के साधु की अलग व्यवस्था की जाती है और खड़िया पलटन की अलग व्यवस्था की जाती है तो उसको देखते हुए वैसी व्यवस्था करें ये मेरा आपसे सबसे अभी यज्ञ की तारीख क्या तय की गई है अब यज्ञ की तारीख आज हमारे टीला द्वारा गद्याचार्य महाराज जी से बात होने के पश्चात में उस पर निर्णय होगा कि यज्ञ 15 तारीख से होता है कि आगे होता है ये निर्णय महाराज जी के पश्चात होगा गुप्ता जी किस तरह से सहयोग करेंगे आप देखिए हम यहाँ पर जो ट्रस्ट की तरफ से जो प्रशासनिक है वो हम सेवा करेंगे
बाकी यहाँ पर जैसा कि अभी आपको बताया कि मुस्लिम बहुल एरिया है, हम लोग हिंदू यहाँ पर बहुत कम है, तो उस हिसाब से हमारे पास आवक बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जो कुछ थोड़ा बहुत अपनी सम्मति के हिसाब से, जो थोड़ी बहुत आवक के हिसाब से हम कुछ ना कुछ उसमें मदद करेंगे, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से न करके मैं व्यक्तिगत रूप से करूँगा, जो दूसरे ट्रस्टी वो व्यक्तिगत रूप से करेंगे। ट्रस्ट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बहुत बड़ी इनको मदद करें। गुप्ता जी नया टाइम टेबल जो है अभी लगाया जा रहा है, उस पे लोग ऐतराज़ जता रहे हैं। हमने इनको बोला है कि आप 2 तारीख दीजिए हमको, पूछ करके जो भी आपके वरिष्ठ साधु संत हैं उनसे पूछ करके। मंदिर में आने के लिए वो नया नियम लगाया जा रहा है, नया समय दिया गया। पहले से यहाँ पर एक नया नियमावली बनाया था, लेकिन कुछ बच्चों ने उसको फाड़ दिया रात को, आज रात को। अब पता नहीं किसके इशारे पर या उसकी कुबुद्धि थी ऐसी कि मंदिर की प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाई, उसने नुकसान पहुंचाया, और यहाँ पर किस तरीके से अव्यवस्था फैले वो प्रयत्न किया। और मुझे पुलिस प्रशासन की तरफ से बार बार फोन आ रहे थे कि आप आइए और इस मैटर को फिनिश करिए, इसलिए मैं यहाँ पर आया। और साधु संतों का मैंने हमेशा ही सम्मान किया है, और ब्राह्मणों का भी बहुत सम्मान किया है यहाँ पर जितने लोग आते हैं। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर साधु संतों को जो कुछ भी सेवा अर्चा की जाती है, बाद में विदाई की जाती है, वो मैं व्यक्तिगत रूप से देता हूँ, वो ट्रस्ट की तरफ से नहीं दिया जाता है। लेकिन फिर भी मेरे ऊपर ये जो थोड़ा सा मन दुख वाली जो पीड़ा पहुँचाई गई कुछ शब्दों के द्वारा, उसे मुझे बहुत पीड़ा हुई है। और फिर भी मैं, क्योंकि धर्म की तरफ मुझे ध्यान रखना है और हिंदुत्व को नुकसान नहीं पहुँचे, यहाँ पर जो डेली आने वाले कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल नीचे नहीं गिरे, उस हिसाब से मैंने आश्वासन दिया है कि जो हमसे बन पड़ेगी वो हम सेवा करेंगे। जो कार्यकर्ता हैं उनका प्रत्येक बड़े घर के बड़े व्यक्ति का एक नियम बनता है कि वो सबको लेके चले, तो आप अगर उस हिसाब से बड़े हैं तो थोड़ा व्यक्ति को विनम्र होकर कार्य करने से क्या होगा कि सब आपके साथ में लगेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी साथ में लगना नहीं चाहते, तो उसकी कोई ना कोई वजह है, तो उसको देख के अपनी कमी, भले आज हमारी बात बुरी लगे, मैं बाबा जी हूँ, मैं अभी कहूँगा कल चल दूँगा, लेकिन उस बात को छोटे छोटे बच्चे और अगर 80% व्यक्ति कहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कमी होगी, उसको दूर करने का कृपया प्रयत्न करें। अभी यहाँ पे जो महाराज जी के द्वारा अनशन चल रहा था, उस अनशन को अभी तुरंत ही कुछ मिनटों पहले तोड़ा गया है गुप्ता जी के द्वारा। गुप्ता जी यहाँ के जो ट्रस्टी आए यहाँ पे, महाराज जी की जो बात थी, महाराज जी जो बात को लेके यहाँ पे अनशन के लिए बैठे थे, उनके कुछ प्रश्न थे कि भाई आगे हमें करना है, कार्यक्रम करना है, उसमें ट्रस्ट का सहयोग क्या रहेगा, ट्रस्ट के लिए जगह कहाँ मिलेगी, ट्रस्ट व्यवस्था क्या देगी। तो ट्रस्ट के द्वारा अभी गुप्ता जी के द्वारा महाराज के सामने ये अभी बातचीत हो गई है, और सर्वसम्मति से जो भी निर्णय हुआ है वो महाराज जी ने आपको बताया। तो मंदिर ट्रस्ट का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि अगर कोई संत आके बैठे तो संत जो होते हैं वो हिंदू समाज के पुरोधा होते हैं, और समाज को एक नई दिशा देने वाले वो घर परिवार छोड़ के ये लोग हिंदू धर्म के लिए, समाज को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं धर्म के लिए। तो संतों का सम्मान यहाँ पर रखा गया महादेव के मंदिर में, उसके लिए मैं मंदिर ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूँ, और महाराज जी के साथ में जितने कार्यकर्ता इतने दिन से महाराज को न्याय दिलाने के लिए बैठे थे उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम, जय महादेव, जय श्री।